आज हम मन और संगीत के परस्पर संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। जब मन और संगीत पर विचार करते हैं तो समस्या मन शब्द को लेकर है कि मन का क्या अर्थ है। अंग्रेजी में मन को माइंड कहते हैं, जिसका अर्थ हमें शब्दकोश में कई अर्थों में प्राप्त होते हैं, जैसे स्मरण शक्ति, लक्ष्य, ध्येय, चित्त लगाना, ध्यान देना, याद करना। बोलचाल में हम बोलते भी हैं माइंड योर ओन बिजनेस, नेवर माइंड, एट लो माइंड, टू द वन माइंड, टू कॉल टू माइंड, भूल जाना, टू मेक अप वंस माइंड, दृढ़ निश्चय करना इत्यादि। भारतीय मनोविज्ञान में मानव व्यवहार पर ही नहीं बल्कि मानव मन पर विशेष रूप से विचार किया गया है तथा मनस शब्द का प्रयोग यंत्र के रूप में किया गया है। भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार अवधान मन का विशेष लक्षण है तथा उनके अनुसार मन की निम्नलिखित अवस्थाएं बतलाई गई हैं। रामनाथ शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय मनोविज्ञान से ये उद्धृत किया गया है। पहला, मूढ़, जो मन मिथ्या दृष्टि और मिथ्या आचार से व्याप्त होता है उसे मूढ़ कहा जाता है, यह योग साधना के योग्य होता है। दूसरा, विक्षिप्त, जो मन इधर उधर विचरण करता है और किसी एक विषय पर स्थिर हो सकता है उसे विक्षिप्त कहा जाता है या मन की चंचलता की अवस्था है। तीसरा, यातायात, जो मन कभी अंतर्मुखी तो कभी बहिर्मुखी होता है उसे यातायात कहा जाता है। योग की प्रारंभिक अवस्था, जो प्रारंभिक अभ्यास की अवस्था में यह दिखलाई पड़ती है। चौथा, श्लिष्ट, ध्येय में स्थिर बने हुए मन को श्लिष्ट कहा जाता है, यह अंतर्निरीक्षण के अभ्यास का परिणाम है। पांचवा, और सुलीन, सुलीन मतलब यह अपने ध्येय में जो सुस्थिर मन है वो सुलीन कहलाता है। श्लिष्ट दशा के समान मन की यह अवस्था भी परिपक्व अभ्यास वाले योगियों में होती है। इन दोनों दशाओं में मन बाह्य अनुभव को ग्रहण नहीं करता और इसलिए उसे सहज आनंद का अनुभव होता है। मनोविज्ञान के अनुसार मन की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था चेतना अवस्था, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम कॉन्शियस स्टेज। चेतन मन का अस्तित्व वर्तमान स्थिति पर आधारित होता है। जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो हमारा चेतन मन ही सक्रिय होकर क्रिया विशेष को ग्रहण करने में सहायक होता है। मन की कुल शक्ति का 10% हिस्सा ही चेतन मन के पास है। दूसरी अवस्था होती है अवचेतना अवस्था या सबकॉन्शियस स्टेज। यह मन की सबसे सक्रिय एवं महत्वपूर्ण अवस्था है। मन की शक्ति का 90% हिस्सा अवचेतन मन के पास है। किसी क्रिया विशेष को सीख लेने के पश्चात वह अवचेतन मन में चली जाती है और आवश्यकता अनुसार अवचेतन मन से पुनः अभिव्यक्त करता है। तीसरी अवस्था है अचेतन अवस्था या अनकॉन्शियसनेस स्टेज। यह मन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी क्रिया विशेष को ग्रहण करने व प्रतिक्रिया करने की स्थिति में नहीं रहता। अचेतन मन की प्रबलता चेतन व अवचेतन मन को निष्क्रिय कर देती है, जिससे व्यक्ति व्यवहार में असामान्य हो जाता है। कला को मन की अभिव्यक्ति कहा जाए या शारीरिक प्रतिबद्धता की स्वीकारोक्ति अथवा कंडीशनड शारीरिक क्रिया कहें, इस विषय में कुछ धारणाएं इस प्रकार हैं। पहला, पारस्परिक प्रतिक्रियावाद। इसके अनुसार मन और शरीर दो भिन्न पदार्थ हैं किंतु मन तथा शरीर दोनों एक दूसरे पर प्भाव डालते हैं। दूसरा, चैतन्यवाद और कला। इसमें मस्तिष्क और शरीर की सभी क्रियाओं को मन की कलात्मक चेतना और इच्छाओं के परिणाम बताता है। वस्तुतः कला और मन का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि मनुष्य की कलात्मक चेतना का परिचालन मन की सहज क्रियाओं और मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है। मन का एक अर्थ मस्तिष्क भी है। मस्तिष्क को तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहला बृहत मस्तिष्क, दूसरा लघु मस्तिष्क और तीसरा सेतु। इन तीनों भागों के कार्य भिन्न भिन्न हैं। बृहत मस्तिष्क में ज्ञान और क्रिया उत्पादन स्थल है।
लघु मस्तिष्क का प्रधान कार्य विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं में संबंध जोड़ना और शरीर में क्षमता रखना है। सांस लेना, देखना आदि क्रियाएं शरीर के निकट है। याद रखना, भूलना एवं सोचना आदि क्रियाएं मस्तिष्क के निकट है। एड्रियन पेनीफील्ड, फुलटोन, कॉब आदि पाश्चात्य विचारकों ने एक्ट ऑफ रिस्पांस की तीन अवस्थाएं मानी हैं। कौन कौन सी? पहला सिग्नल, दूसरा साइन एंड सिंबल और तीसरा मूवमेंट। पहली अवस्था में सांगीतिक ध्वनि या ताल के प्रकार कानों द्वारा मस्तिष्क में पहुंचते हैं तो सेरिब्रल कॉर्डेट में ग्रहण किए जाते हैं, अर्थात इस अवस्था में ध्वनि का कान द्वारा इनपुट होना कह सकते हैं। जब वह सांगीतिक ध्वनि मस्तिष्क में पहुंचती है तो उसको पहचान लिया जाता है, जिसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इस क्रिया में दो और चीज़ें महत्वपूर्ण भाग लेती हैं। पहला, स्मृति। जो किसी समय सीखे हुए राग जो अवचेतन मन में इकट्ठे हो जाते हैं उस ध्वनि का एकीकरण हो जाता है। दूसरे महत्वपूर्ण भाग क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ सेरिब्रल कॉर्डेट। इतनी क्रिया होने के पश्चात मनुष्य के जो अर्थ ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं अर्धपूर्ण होते हैं, जैसा कि कॉर्डेट पैटर्न जो मस्तिष्क में बैठ जाते हैं। तीसरी अवस्था में कॉर्डेट पैटर्न का मूर्त रूप प्रदान करना है। इसी अवस्था को हम आउटपुट कह सकते हैं, अर्थात जो भी कुछ सीखा गया उसको दोबारा प्रस्तुत करना, प्रेजेंटेशन। अब तक के अध्ययन से यह बात सामने आती है कि मानसिक क्रिया तथा शारीरिक क्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संगीत सीखने के लिए मानसिक क्रियाओं के साथ साथ शारीरिक क्रियाओं का सक्रिय होना आवश्यक है, या इसको शारीरिक स्वस्थता भी कहा जा सकता है। शरीर का कोई भाग अपंग नहीं होना चाहिए। कान, नाक, हाथ, पैर, गला आदि सब सक्रिय होना चाहिए। किसी अन्य प्रकार से रोगग्रस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक अंगों द्वारा ही मानसिक क्रियाओं का प्रकाशन होता है। मानसिक क्रियाओं में जैसे संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण आदि। अच्छे संगीत की निर्मिति के लिए कुछ वैज्ञानिक तत्व काम करते हैं, जैसे पहला है अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ साउंड पैटर्न, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस, तीसरा हो गया म्यूजिक नॉलेज, चौथा हो गया अंडरस्टैंडिंग, और पांचवा जो मुख्य तत्व है वो है म्यूजिकलिटी।